मन मनुष्य मां, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना। किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। इस पात्र में भरे जल की भांति, जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है, तो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहेंगे, स्वाभिमानी या अभिमान? निर्णय आपका। राधे राधे। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय, और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता, कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उलाहना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे, तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा ही। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम मनुष्य कितने ढीठ होते हैं, एक बार लक्ष्य पे दृष्टि साध ली तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, किंतु उस लक्ष्य को पाने की आतुरता में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। बताइए, देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूर्ण करने की चाह में उस मार्ग का आनंद लेना भूल जाना ये तो मूर्खता। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए,